नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज। आज मैं आपको कालजयी कहानियों के क्रम में सुनाने आई हूँ राजकमल चौधरी की लिखी हुई कहानी। राजकमल चौधरी हिंदी के सर्वाधिक चर्चित और बिंदास लेखक रहे हैं। उनकी कुछ रचनाएं इतनी बोल्ड थीं कि उन पर अपने जमाने में खूब विवाद हुआ। अपनी कृतियों में चौधरी ने महानगरीय जीवन की उस आधुनिकता के चित्र बखूबी खींचे हैं जिसमें सुख सुविधा, भोग विलास, इच्छा आकांक्षा की पूर्ति और लिप्सा आदि दिखती है। हिंदी और मैथिली साहित्य में राजकमल ने लगभग 8 उपन्यास, 250 कविताएं, 92 कहानियां, 55 निबंध और 3 नाटकों से अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें मछली मरी हुई, नदी बहती थी, ताश के पत्तों का शहर, शहर था शहर नहीं था, अग्नि स्नान और 20 रानियों के बाइस्कोप, देहगाथा, सुनो ब्रजनारी, एक अनार एक बीमार आदि कथा, आंदोलन, पाथर फूल, मछली जाल, सामुद्रिक एवं अन्य कहानियां, पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ, बंद कमरे में कब्रगाह, खरीद बिक्री, सांझक गाछ, कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा, ऑडिट रिपोर्ट, विचित्र, शव यात्रा के बाद, देहशुद्धि, बर्फ और सफेद कब्र पर एक फूल आदि शामिल हैं। कालजयी कहानियों की श्रृंखला में आज उनकी कहानी बंद कमरे में कब्रगाह लेकर आई हूँ। कल 19 जून को उनकी पुण्यतिथि थी। ये कहानी पहली बार फरवरी 1964 में निहारिका में छपी थी। कहानी का नाम है बंद कमरे में कब्रगाह। आदमी कुछ कहना चाहता है मगर ऐसा क्षण भी आता है जब उसकी आवाज सीने में दबी रह जाती है और वो कह नहीं पाता। कह भी दे तो कोई उसकी बात समझ नहीं पाता। जरूरी नहीं कि वो बात प्यार की ही हो। प्यार जरूरी नहीं है, जरूरी है जिनसी हविस, वो जंगली पागलपन जिसने सभ्यता के इस दौर में भी हमें सभ्य नहीं रहने दिया है। औरत और शराब, शराब और वहशत, वहशत और औरत और फिर शराब। जिंदगी एक ऐसा मरसिया बन जाती है जिसे आदमी खुद अपनी मौत के लिए रचता है। मौत आदमी की मंजिल है, मौत आदमी की इंतहा है। आदमी मौत के भय से ही जंगल का जानवर बन जाता है और अंधेरे में भागता रहता है। वो भागता है हर आवाज से, उजाले की हर किरण से, दिल की हर पुकार से, अपने आप से भी। वो जंगली जानवर मैं हूँ और कोई नहीं। आदमकद शीशे में अपनी शक्ल देखता हूँ तो वहाँ कोई आदमी नहीं पाता, एक नंगा और पागल जानवर पाता हूँ। उसकी निगाहों में नफरत होती है, नफरत दुनिया की हर चीज के लिए, सिर्फ नफरत। इस नफरत की दवा है शराब, शराब और औरत। रंगमहल स्टूडियो के अपने दफ्तर में बैठा हुआ मैं ऐसी ही बातें सोच रहा था। मेरे सामने टेबल पर पांव रखे हुए बैठा अमरनाथ लॉ कोराना सिगार पी रहा था। अमरनाथ की बगल में बैठी नीलगिरी कभी मेरी ओर और कभी अमरनाथ की ओर अपनी बेजरूरत मुस्कुराहट फेंक रही थी। उसके जूड़े के सफेद फूल उस बेहद गर्मी में मुरझा रहे थे और चेहरे का मेकअप पसीने में गीला हुआ जा रहा था। नीलगिरी का असली नाम शायद कुछ और था, मिस सिल्विया या मिस सोफिया या ऐसा ही कोई और नाम था शायद। वो सांवली सी मद्रासी लड़की थी और अमरनाथ ने यूं ही उसे नीलगिरी पुकारना शुरू कर दिया था। ये नाम मुझे पसंद आ गया था। हमने तय कर लिया कि यही नाम पुकारा जाएगा। बहरहाल नाम में क्या रखा है, नीलगिरी ही सही। वो पहले किसी दफ्तर में टाइपिस्ट थी। वो हर शाम अपने दफ्तर के नए अफसरों के साथ ब्लू रूम रेस्तरां में जाती थी और मुस्कुराती रहती थी। फिर वो अमरनाथ को पसंद आ गई, मुस्कुराहटों के कारण नहीं, अपने शरीर के कारण। भरे हुए शरीर में वो बेहद कुंवारी दिखती थी। चेहरे पर बच्चों की तरह भोलापन, आंखों में नशा नहीं केवल सादगी। कभी कभी सादगी भी पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचती है। अमरनाथ खींच गया। एक दिन वो सुबह सुबह मेरे पास आया और बोला, कमल बाबू तुम्हें कहानी लिखनी है, मैं आदिवासियों के जीवन पर एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम हफ्ते भर में एक कहानी तैयार कर दोगे, कितने पैसे दोगे और कैसी कहानी चाहिए मुझे बता दो, फिर कम से कम 500 रुपये एडवांस दे दो, कहानी तैयार हो जाएगी। मैंने लेखक की तरह नहीं किसी सौदागर की तरह कहा।
मैं जानता हूँ अमरनाथ से ऐसे ही कहना चाहिए, नहीं तो कहानी नहीं बनेगी, पैसे नहीं मिलेंगे। वैसे वो सिर्फ फिल्म प्रोड्यूसर ही नहीं, मेरा दोस्त भी है और ज़रूरत के वक्त मदद करता है। पैसे रहें तो अच्छी शराब से इनकार नहीं करता। लाखों रुपए फिल्म से पैदा कर चुका है, लाखों रुपए ऐसे धोखों में गंवा चुका है। कहता है जिंदगी जुआ है और मैं दांव पर अपनी हर चीज लगा सकता हूँ। उसने हर चीज दांव पर लगा दी। उसकी बड़ी लड़की पागल होकर रांची के एसाइलम में पड़ी है। उसकी पहली बीवी ने तलाक ले लिया है और दूसरी बीवी अलग रहती है। पैसे लेने हों तभी वो अमरनाथ के पास आती है। अमरनाथ किसी बात की परवाह नहीं करता। शराब और औरत और इन सब के लिए रेस कोर्स और फिल्म स्टूडियो, 7 नंबर का किंग ऑफ होनोलुलु, प्रोडक्शन नंबर 11 की फिल्म रात बीत जाएगी, तेज दौड़ने वाले घोड़े, तेज नशे वाली शराब, तेज चलने वाली फिल्में और तेज औरतें। अमरनाथ को तेजी का नशा है, तेज चलो और तेज चलो। एक्सीडेंट की परवाह अमरनाथ नहीं करता। उसने चेकबुक निकाली, बेयरर चेक दे रहा हूँ, रुपए निकाल लेना, हफ्ते भर बाद कहानी के साथ रंगमहल स्टूडियो में मिलो, मैं सोचता हूँ हीरो के लिए रामकुमार को बुक कर लूँ, चंदन सिंह का म्यूजिक और फिरदौसी की फोटोग्राफी, क्यों ठीक रहेगा ना? हीरोइन किसे बनाओगे, मैं पूछता हूँ। हीरोइन जैसी होगी वैसी ही मैं कहानी लिखूंगा। श्यामा कुमारी हीरोइन होती है तो मेरी कहानी रूप के बाजार के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और कनकलता होती है तो मैं अपनी कहानी को दार्जिलिंग और आसाम की पहाड़ियों में ले जाता हूँ। कहानी को हीरोइन के आसपास रहना चाहिए ताकि फिल्म को अपनी एक खास पर्सनैलिटी मिल सके। अमरनाथ कहता है हीरोइन होगी मिस नीलगिरी। ये लड़की कौन है, किसी एक्स्ट्रा को लिफ्ट देना चाहते हो क्या? मुझे आश्चर्य होता है अमरनाथ कभी ऐसी वैसी लड़की को लिफ्ट नहीं देता है। अरे वही लड़की है जो ब्लू रूम रेस्तरां में आती है, मद्रासी लड़की है, भरतनाट्यम जानती है, फिलहाल एक दफ्तर में टाइपिस्ट है। क्यों तुम्हें पसंद नहीं? कल उसे मैं स्टूडियो ले गया था, आवाज ठीक है, फोटोग्राफ भी अच्छे आते हैं, टेस्ट अच्छा ही रहा। क्यों तुम्हें पसंद नहीं? अमरनाथ कहता है और पोलियो बैग से नीलगिरी की तस्वीरें निकाल कर दिखाने लगता है। तस्वीरों में उसका सांवलापन और भी घना हो गया है, आंखों में सादगी नहीं खुशी की चमक है, अजंता की लड़कियों की तरह होंठ, भुवनेश्वर की यक्षणियों की तरह नितंब, हल्के कपड़ों में शरीर के चढ़ाव उतार और भी उभर आए हैं। नीलगिरी औरत नहीं, औरत की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर है, और आज ये तस्वीर कभी मेरी ओर और कभी अमरनाथ की ओर देखकर मुस्कुरा रही है। रंगमहल स्टूडियो का मैनेजर अजीत बनर्जी आ गया। आते ही बोलने लगा, कल और परसों 2 दिन आप लोगों के लिए स्टूडियो 3 और स्टूडियो 5 बुक करा दिया है, आप नंबर 6 में शॉर्ट्स ले लीजिए, अभी आपका कौन सा सेट चल रहा है? अमरनाथ चुप रह जाता है, कुछ बोलता नहीं, वो सोच रहा है। अगर ब्रह्मदत्त मिस्त्री वाला नहीं आया, अगर उसने फिनांस नहीं किया तो कल शूटिंग नहीं हो सकेगी। रामकुमार हीरो है, उसे कल सुबह कम से कम 30,000 रुपये एडवांस तो चाहिए। अगर ब्रह्मदत्त मिस्त्री वाला राजी नहीं हुआ तो मिस नीलगिरी और रामकुमार की फिल्म, अमरनाथ की फिल्म, आदिवासियों के जीवन की क्लासिक फिल्म जंगल का गीत नहीं बन पाएगा। अमरनाथ 40,000 रुपये लगा चुका है, अजंता डिस्ट्रीब्यूटर्स वाले 60,000 रुपये लगा चुके हैं, अभी तुरंत 50,000 रुपये तो चाहिए ही चाहिए, बाद में मध्य प्रदेश और बंगाल की टेरिटरी बिक जाएगी तब फिल्म पूरी हो जाएगी और रिलीज भी हो जाएगी, मगर अभी 50,000 रुपये। अजीत बनर्जी चला गया। टेबल पर पांव फैलाए अमरनाथ मन ही मन हिसाब लगाता रहा। नीलगिरी मुस्कुराती रही, सिर के ऊपर सीलिंग फैन की हवा कितनी गर्म है। दूर स्टूडियो के मैदान में किसी फिल्म की आउटडोर शूटिंग चल रही है, ऐतिहासिक फिल्म की लड़ाई। कमर में तलवार बांधे, नकली दाढ़ी मूछे लगाए एक्स्ट्राओं की फौज यहाँ वहाँ दौड़ रही है। कैमरामैन चीख रहा है, डायरेक्टर चीख रहा है, नकली जख्म खाए हुए सिपाही भी चीख रहे हैं। तभी स्टूडियो के फाटक के सामने बड़ी सी किंग्सवे रुकी, फाटक खोल दिया गया, गाड़ी अंदर चली आई। गाड़ी में बैठा हुआ मोटा सेठ ब्रह्मदत्त मिस्त्री वाला अंदर चला आया। ब्रह्मदत्त 5 जूट मिलों और 2 इस्पात के कारखानों का मालिक है, अब पहली बार फिल्म में पैसा लगा रहा है। क्यों लगा रहा है?
अमरनाथ ने मिस्त्री वाला से कहा है कि मिस नीलगिरी कुल 17 साल की है, एकदम अनछुई, बिल्कुल फ्रेश। मैंने भी अमरनाथ की बात की ताईद की है, हालांकि मुझे पता नहीं, मैंने नीलगिरी को कभी खास नजर से देखा नहीं। आधी फिल्म की शूटिंग हो चुकी है, सभी गानों के टेक हो चुके हैं, आउटडोर पूरा हो चुका है। अमरनाथ की फिल्म यूनिट के साथ नीलगिरी सुंदरबन के जंगलों, नैनीताल की झीलों और आसाम की पहाड़ी घाटियों में जा चुकी है। वो मुस्कुरा देती है और लोगों का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है, वो मुस्कुरा देती है और लोगों की आग बुझ जाती है। मगर ब्रह्मदत्त मिस्त्री वाला, ब्रह्मदत्त बेहद मोटा है, उसकी आवाज बेहद भारी है, सूट पहनता है और पगड़ी बांधता है, सिगार नहीं पीता, शराब पीता है। मैं उससे कुल 2 बार मिला हूँ और दोनों बार वो मुझे जूट और इस्पात का मालिक नहीं, किसी पवित्र हिंदू भोजनालय का पंडित दिखा है। इस पंडित के आते ही अमरनाथ उछलकर बरामदे से नीचे कूद गया और बोला, ब्रह्मदत्त तुम गाड़ी में ही बैठे रहो, हम अभी चलते हैं, पार्क स्ट्रीट में चलकर बैठेंगे। बात पहले से तय थी। अमरनाथ दरवाजा खोलकर ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ गया। मैंने पिछला दरवाजा खोल दिया। डरी हुई बिल्ली की तरह नीलगिरी कार के स्प्रिंगदार गद्दे में धंस गई। मैं उसके बगल में बैठा। मिस्त्री वाला खुद गाड़ी चला रहा था। किंग्सवे वापस सड़क पे आ गई। सुभाष बोस स्ट्रीट, टॉलीगंज, रासबिहारी एवेन्यू, लैंसडाउन रोड, हैरिंगटन रोड और पार्क स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट में एक बहुत बड़ा मकान है, करनानी मैंशंस। राज कपूर की फिल्म जागते रहो की पूरी शूटिंग इसी एक बिल्डिंग में हुई थी। पूरी बिल्डिंग में लगभग 2000 फ्लैट्स हैं। 8 मंजिल का मकान, लंबे लंबे बरामदे, ऊंची सीढ़ियां, लिफ्ट, कैरिडोर, बालकोनी, बरामदे, अंधेरा, उजाला, धुंधलापन। एंग्लो इंडियन औरतें खड़ी हैं। नीचे लगातार मोटर गाड़ियां, लोग आ जा रहे हैं। इसी मकान में ब्रह्मदत्त मिस्त्री वाला ने अपने लिए एक प्राइवेट फ्लैट ले रखा है। बात तो पहले से तय रहती ही है, बोलने की जरूरत नहीं, इशारा काफी है। और अभी तो शाम ही हुई है। मुझे वो शाम याद आती है जब आउटडोर शूटिंग के वक्त नीलगिरी ने फोटोग्राफर फिरदौसी के गालों पर लगातार तमाचे जड़ दिए थे और खुद रोने लगी थी। मुझे कई शामें याद आती हैं, मगर बात पहले से तय है। मैं जानता हूँ, अमरनाथ जानता है, पर नीलगिरी नहीं जानती, उसे बताया नहीं गया है। फ्लैट का दरवाजा खुल गया। मिस्त्री वाला का खास बैरा वहां तैनात रहता है। हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। ड्राइंग रूम में ही एक और बड़ा सा पलंग है। पलंग एक सिंबल है, एक प्रतीक है, नाव की शक्ल का पलंग, और फर्श पर रंगीन पत्थरों की लहरें बनाई गई हैं। क्या ये नाव डूब जाएगी, पत्थरों में डूब जाएगी? नीलगिरी मुस्कुराती है और कहती है, अमरनाथ भाई मुझे प्यास लगी है, उफ कितनी गर्मी है, अभी मंगवाता हूँ। सोफे पर नीलगिरी के बगल में कुछ धंसता हुआ सेठ मिस्त्री वाला कहता है। नीलगिरी पसीने से भीग रही है। बेरा कपोर्ट के 4 गिलास और स्कॉच की चौड़ी बोतल निकालकर बीच के टेबल पर रखता है। बोतल देखकर नीलगिरी थरथराने लगती है, जैसे वो थरथराती हुई सोफे से फिसलकर फर्श पर गिर पड़ेगी। बेरा बड़े ही अदब और प्यार से बोतल खोलकर गिलासों में बराबर बराबर शराब डालता है। मिस्त्री वाला कहता है, अब प्यास बुझ जाएगी। और अमरनाथ कहता है, नर्वस मत हो नीलगिरी, ये ठर्रा नहीं, असली स्कॉच है। मैं किसी का इंतजार नहीं करता, गिलास उठाता हूँ और गले से नीचे उतार लेता हूँ। सोडा डालने की मुझे जरूरत नहीं, मगर नीलगिरी? अमरनाथ की आंखें नीलगिरी से कहती हैं, पूरे 50,000 की बात है नीलगिरी, 50,000 रुपये बहुत होते हैं। नीलगिरी मेरी ओर देखती है, दो क्षण देखती रहती है और ग्लास उठाकर पूरी शराब पी जाती है। गले में शराब जाते ही वो नीलगिरी मर गई, जिसने फिरदौसी की, डिस्ट्रीब्यूटर श्यामलाल की और असिस्टेंट डायरेक्टर धीरज मेहता की बार बार इंसल्ट की थी। ठीक ऐसे ही जैसे जंगल की शेरनी हाथी के बच्चे की इंसल्ट करती है। मगर स्कॉच के ग्लास के बाद शेरनी ने कहा, एक सिगरेट तो पिलाओ अमरनाथ, और बात तय हो गई। शराब के दूसरे दौर के बाद अमरनाथ ने एग्रीमेंट के कागज अपने फोलियो बैग से निकाले। ब्रह्मदत्त ने कोट की जेब से चेकबुक और फाउंटेन पेन निकाला और कागजात पर दस्तखत हो गए। सेठ ब्रह्मदत्त मिस्त्री वाला फिल्म जंगल का गीत में 50,000 रुपये लगा रहा है। कल सुबह
10 बजे मिस्त्रीवाला इंडस्ट्रीज के 50,000 रुपए अमरनाथ फिल्म्स के अकाउंट में चले जाएंगे। बात तय होते ही मिस्त्रीवाला ने बेरा से कहा, बाहर से दरवाजा बंद कर दो, जरूरत होगी तो तुम्हें पुकार लूंगा। हम लोग भी बाहर चले जाएं ब्रह्मदत्त भाई, अमरनाथ ने पूछा। मिस्त्री वाला हंसने लगा, बोला, यहाँ बैठो यार और स्कॉच पियो, आसपास दोस्त रहते हैं तो ज्यादा मजा आता है। ब्रह्मदत्त की इस बात पर भी नीलगिरी शर्माई नहीं, आंखें फैलाए सोफे पर बाहें खोले मुझे और अमरनाथ को देखती रही। मैं डरने लगा, मैंने कहा मैं बाहर जाता हूँ। मुझे रोकती हुई नीलगिरी बोली, कहाँ जाओगे जी, यहीं बैठो। मैं बैठा रहा। हम दोनों स्कॉच की बोतल खाली करते रहे। मेरे लिए एकदम नई बात थी ये। आदमी एकांत चाहता है, अंधेरा चाहता है, रहस्य चाहता है, मगर मिस्त्री वाला, ये नीलगिरी, पार्क स्ट्रीट की ये शाम। सेठ ब्रह्मदत्त उठा और बड़े तरीके से हैंगर पर अपना कोट, शर्ट, टाई और ट्राउजर डालने लगा। फिर उसने सारी बत्तियां बुझा दी, सिर्फ जलता रहा एक नीला बल्ब। नीली रोशनी में नीली आग की तरह जलती रही नीलगिरी। वो चुपचाप बैठी रही, बाहें फैलाए, गीत गुनगुनाती हुई, जंगल का गीत, आदिम गीत। ब्रह्मदत्त ने कहा, कपड़े उतार डालो नीलू, क्रीज मसक जाएगी। नहीं, नीलगिरी ने कहा और हमारी ओर देखती हुई मुस्कुराती रही। मैं डरता रहा। अमरनाथ हाथ में गिलास लिए हुए शर्माता रहा। ब्रह्मदत्त पास आ गया, उसने अमरनाथ का गिलास छीन लिया और एक ही सांस में खाली कर दिया। फिर वो सोफे की ओर मुड़ा, वो अंडरवियर बनियान पहने था। नीलगिरी वैसी ही बैठी थी मुस्कुराती हुई, बाहें फैलाए, दोनों हाथों से उसने सोफे को कसकर पकड़ रखा था। मिस्त्री वाला ने कहा, पलंग पर चलो नीलू, यहाँ तुम्हें तकलीफ होगी। नहीं, नीलू ने कहा और हमारी ओर देखती हुई मुस्कुराती रही, जैसे वो स्टूडियो के सेट पर हो और द्रौपदी चीरहरण की शूटिंग में हिस्सा ले रही, जैसे वो द्रौपदी नहीं हो, कृष्ण हो, कृष्ण भी नहीं, दुशासन हो, वो नीलगिरी नहीं, दुशासन है और ब्रह्मदत्त मिस्त्री वाला द्रौपदी है। नाटक उल्टा चल रहा है, शूटिंग गलत हो रही है। डायरेक्टर चीखना चाहता है, कट करो, शूटिंग रोक दो, मगर गले से आवाज नहीं निकल रही। अमरनाथ चुपचाप अपने गिलास में स्कॉच डाल रहा है, नीलगिरी मुस्कुराए जा रही है। मिस्त्री वाला को अचानक बहुत गर्मी महसूस हुई। 40 साल का अधेड़ राक्षस ब्रह्मदत्त मिस्त्री वाला, 17 साल की परियों की राजकुमारी नीलगिरी। नाटक उल्टा चल रहा है, शूटिंग गलत हो रही है। डायरेक्टर के गले से आवाज नहीं निकल रही। ऐसा क्षण आ गया है जब आवाज सीने के अंदर ही गूंजती तड़पती रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। कोई कुछ बोल नहीं पाता, बोलने की जरूरत नहीं है। हवा रुक गई है, मौसम थम गया है। आवाजें और वक्त और ये जिंदगी पार्क स्ट्रीट के एक मकान के एक कमरे में रुक गई है। नीलगिरी खिलखिलाने लगती है, जैसे दुनिया की हर बात से बेफिक्र बच्चे खिलखिलाते हैं। ब्रह्मदत्त उसकी ओर बढ़ता है, मगर नीलगिरी की पीठ सोफे की दीवार से जुड़ सी गई है। प्यार आसान नहीं, वहशत आसान है। जंगली जानवर बनना बहुत आसान है। नीलगिरी अपना बचाव नहीं कर रही, वह अचानक चुप हो जाती है, पत्थर की तरह सख्त हो जाती है, सिकुड़ जाती है और ठंडी पड़ जाती है, जैसे मर चुकी हो। जैसे नीलगिरी नहीं, मिस्त्री वाला की गोद में एक लाश है, एक पत्थर की मूरत, अजंता या भुवनेश्वर या खजुराहो की प्रस्तर मूरत। मैं शर्म से मर चुका हूँ और अमरनाथ 50,000 रुपए में मर चुका है। रात हो गई है, काली रात, मौत जैसी काली रात। तभी एकाएक नीलगिरी आंखें खोल देती है और रेशम के गोले की तरह मिस्त्री वाला की गोद से नीचे फर्श पर फिसल पड़ती है और मुस्कुराते हुए बड़े प्यारे लहजे में कहती है, धूर्त, बस इतनी ही माधुर्मी रखते हो। ब्रह्मदत्त सोफे से नीचे उतरने की कोशिश करता है, मगर उसके पांव थरथराने लगते हैं। वो नीलगिरी का हाथ खींचना चाहता है, मगर वक्त बीत गया है और जंगल का गीत फिल्म के दस्तावेज पर दस्तखत हो चुके हैं। ये थी कहानी बंद कमरे में कब्रगाह, जिसे लिखा था राज कमल चौधरी ने और आवाज थी मेरी सारिका पंकज की। अब दीजिए अनुमति, मिलूंगी अगले रविवार को अगली कालजयी कहानी के साथ। नमस्कार।